हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? मैंने सोचा कि आजकल ना मैं बहुत ही ज्यादा रेगुलरली वीडियोस बनाने लगी हूँ, लाइक हर वीक तो एक वीडियो आ ही रहा है। सो क्यों ना यूट्यूब का ट्रेंड भी सीख लिया जाए। तो यूट्यूब का ट्रेंड सीखने के लिए मैंने ऐसे बहुत प्रैक्टिस करी। सो कैसे हैं आप लोग, तो कमेंट में बताइए कैसे हैं आप लोग और ये कैसे हैं आप लोग, कैसा लगा आपको आज का वीडियो। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ ही लिया होगा, इट्स अबाउट ब्लू जोन्स। तो ब्लू जोन्स ऐसे त्वार वाला ब्लू जोन नहीं। तो जिन लोगों को पता है ब्लू जोन्स के बारे में, उनके लिए मेरे पास दो काम है। एक तो आप सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे रेड कलर का बड़ा सा उसको दबा दीजिए। और दूसरा क्योंकि आपने तो किसी को बताया नहीं ब्लू जोन्स के बारे में, तो मेरे वीडियो के थ्रू आप बाकी लोगों को बताइए कि ब्लू जोन्स होता क्या है। सो शेयर इट गाइस। सो ये ब्लू कलर की बुक जो है, इसको पढ़ना चालू किया, इसका नाम है इकिगाई। सो इकिगाई का मतलब होता है कि सीक्रेट टू लॉन्ग लाइफ। लाइक इस बुक के अंदर ऐसा मेंशन है कि लॉन्ग लाइफ कैसे जी सकते हो आप। सो इसी बुक के अंदर मैंने ये पढ़ा कि वर्ल्ड में कुछ जोन्स होते हैं जिनको बोला गया ब्लू जोन्स। तो उनको ब्लू जोन्स क्यों बोला गया, क्योंकि एक बंदा था, वो ऐसे गया जगह जगह पे, उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह किए, तो उन्होंने ना मैप के ऊपर से ब्लू कलर के सर्कल बना दिए जहाँ जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। तो जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उस मैप को देख के उसे ना ब्लू जोन ही रख दिया। ठीक है, तो यहाँ ये जो ब्लू जोन्स है ना, यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा जीते हैं। तो अगर आपको सबसे ज्यादा जीना है ना, जैसे अभी तो क्या बड़ी अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कोरोना वायरस एंड एक्सेट्रा, तो अगर आपको बहुत ज्यादा जीना है तो बैक पैक कीजिए गाइज और निकल जाइए। लाइक अभी मत निकलिए, पहले कोरोना वायरस को निकलने दीजिए, फिर आप निकल जाइए इन ब्लू जोन्स में। तो पांच ब्लू जोन्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। पहला ब्लू जोन है इन जापान। सो जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज्यादा, वैसे भी अगर हम एवरेज एज देखें, ठीक है, वो ज्यादा है बाकी लोगों से, बाकी कंट्रीज से, बाकी जगहों से, बिकॉज वहाँ के लोग एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट डाइट तो नहीं, पर वो डाइट ऐसी होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो लोग अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मूव करते हैं। तो दिस इज, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ओकिनावा इन जापान जो कि ब्लू जोन है। एंड यहाँ के लोगों का कहना है कि उनका जो डाइट है, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, शिकुबासा इज अ फ्रूट जो वो लोग खाते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिच क्वांटिटी में प्रोटीन्स एंड विटामिन्स होते हैं और जो बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स को हटाने में हेल्प करता है, तो वो ये लोग खाते हैं। एंड इसकी वजह से दे आर ऑन टॉप, दे आर नॉट ऑन टॉप, दे आर, दे लिव ऑन द टॉप, दे लिव द मैक्सिमम। इनफैक्ट मिसाओ इज अ लेडी जिनको 2015 में 117 ईयर्स का बोला गया था, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम जापान। जापान नेक्स्ट इज सार्डिनिया इन इटली। सो इटली इज अ प्लेस, इटली इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल प्लेस। इन सार्डिनिया इन इटली इज अ प्लेस जहाँ पे लोगों का कहना है कि हम लोग का सबसे ज़्यादा जीने का उनके हिसाब से रीज़न ये है कि वो लोग वाइन पीते हैं रोज़। सो वाइन के अपने भी वैसे भी बहुत फ़ायदे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ वाइन पीजिए, पर यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ वाइन पीने से वो लोग सबसे ज़्यादा जी पा रहे हैं। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पर चलो ठीक है। नेक्स्ट इज लोमा लिंडा इन कैलिफोर्निया। सो कैलिफोर्निया यार, यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया इज अ प्लेस जो कि मैं लाइक सब लोग को ही जाना होता है एक ना एक बार। तो लोमा लिंडा इज अ प्लेस जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि यूनाइटेड, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में भाई कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कैंसर की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में। सो लोमा लिंडा इज अ प्लेस जहाँ पे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा जो एवरेज एज। नेक्स्ट इज इन कोस्टा रिका। कोस्टा रिका यार, कोस्टा रिका इज अ प्लेस जो कि वैसे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनका कहना है कि हमारा ये सबसे ज़्यादा जीने का राज है कि हम लोग रोज सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। भाई हमारी आजकल की लाइफ में क्या हो रखा है भाई, हम रात को 2 बजे तो सोते हैं, 5:30 बजे उठने की बात तो नहीं कर सकते। सो यहाँ के लोग अभी भी 5:30 बजे उठते हैं, एंड उनका कहना है कि अगर आप बॉडी को सही टाइम पे मूव करते हैं, सही टाइम पे बॉडी के अंदर अगर फूड जाता है या एक्सरसाइज होती है तो वो बेटर रहता है। ठीक है, अब आई डोंट नो वो कितना सच है कितना नहीं, बट हाँ मैंने भी ये बात सुनी है कि 11 to 3, रात 11 PM to 3 AM इज़ अ टाइम जब आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या फिर आपके जो भी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो पूरा ऐसा ना फिल्टर हो रहा होता है। मान लो रात के 11 से 3 बजे, तो अगर हम लोग 2 बजे सोते हैं ना, तो वो
चार घंटे वाला टाइम एक घंटे का ही रह जाएगा। तो अब आप समझ सकते हो एक घंटे में कितना ही होगा यार, ठीक है। तो अगर आपको अपनी बॉडी को एकदम अच्छे से प्यूरिफाई करके सुबह चाहिए ना कि एकदम चेक बॉडी हो गई है, तो 11 से 3 वाली टाइम में आप सो जाया करो। 11 से 3 नहीं तो 12 से 3 तो सो जाया करो यार। नेक्स्ट प्लेस इज इन ग्रीस। सो ग्रीस इज माय फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड। सो इकारिया इन ग्रीस इज द प्लेस। जब मेरे को इसके बारे में पता चला तो मैं तो ऐसे थी यार, एक कोरोना वायरस वगैरह खत्म करो यार, हमें ना जीना जिंदगी, हम जा रहे हैं इकारिया। सो इकारिया इज अ प्लेस जहाँ पे लोगों का कहना है कि वो लोग अभी भी ना 500 BC टाइप की जिंदगी जीते हैं, सिंपल सरल लाइफ। लेकिन अब ना आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये लोग टेक्नोलॉजी इतना यूज नहीं करते होंगे, ठीक है, और बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हैं तो इनको क्या ही आता होगा, अरे हमारी जिंदगी तो बड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, हम तो ऐसे न्यूयॉर्क स्टाइल वाले लोग हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे सर्टेन चीज़ें होती है जिनको आपको लाइफ में फॉलो करोगे तो आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना आजकल, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे। सो ये मैंने अपनी लाइफ में खुद भी बहुत ज़्यादा अब स्टार्ट कर दिया है कि हाँ हेल्दी लाइफ जीनी है। सो हेल्दी लाइफ के यार बहुत तरीके होते हैं। कोई आपको नहीं बोल रहा कि आप रोज़ सुबह 6 बजे उठो, 10 बजे तक एक्सरसाइज करो या फिर जिम जाओ रोज़ रात को 9 बजे, ठीक है, 2 घंटे जिम करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई नहीं बोल रहा। आप अगर रोज़ सुबह उठ के 5 बार सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं ना, या फिर आप अगर 2 घंटे बैठे हैं तो उठ के 2 घंटे बाद हर 5 मिनट के लिए, 2 घंटे बाद 5 मिनट के लिए आप सिर्फ अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी कर रहे हैं, सो दैट कीप्स योर बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म गोइंग। सो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो आपका ऐसे बैड शुगर होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर। और बाकी हेल्दी ईटिंग इज़ अ हेल्दी लाइफस्टाइल यार। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाइए, आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट कीजिए क्या आप बहुत सीखने को मिला, एंड मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगी। सो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, एंड घंटी भी बजा दीजिए गाइस, बड़ी मुश्किल से बोला मैंने, प्लीज़ बजा दीजिए अब तो। Okay guys, see you in the next.